में तो बीजेपी आएगी। एक बार दोबारा हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं तो बीजेपी की हमारा वही है, ये नंगली सकरावती वार्ड जीत कर बस बीजेपी जीतेगी। नमस्कार, मैं अनंत कौशिक हूं, आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नगली वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं पवन शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और छावला वार्ड से पूर्व पार्षद रहे हैं। वर्तमान में इनकी जो पत्नी है सविता पवन शर्मा, वो नगली वार्ड से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। पवन जी, किस तरह का जनसमर्थन मिलता हुआ अभी पदयात्रा जारी है, आप लोग लगातार मेहनत करने में जुटे हैं? हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार दोबारा हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं और नंगली सकरावती वार्ड भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। पूर्वांचल का जो मतदाता है उस वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट दिया है उसको लुभाने के लिए, तो ऐसे में पूर्वांचल का मतदाता को किस तरह से लुभाएंगे और बाद में जो सर्वांचल का मतदाता है माने सभी जाति का सभी वर्ग का, उसके लिए क्या कुछ योजना है? भारतीय जनता पार्टी कभी एक स्टेट की या एक व्यक्ति की या एक समाज की राजनीति नहीं करती, वो सर्वांचल की राजनीति करती है और सभी को साथ लेके चलती है। मुझे पिछली बार भी जब छावला से मैं चुनाव लड़ा था तो सभी वर्गों ने, चाहे वो कॉलोनी के हो, वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो गांव के लोग हैं वो किसी भी समाज से हो, सभी ने आशीर्वाद दिया था। और अब की बार जब हमारी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रही है तो उसमें भी उससे ज़्यादा सर्व समाज के लोग सहयोग दे रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। पवन जी, वार्ड की मैं बात करूं, काफ़ी कुछ हिस्सा नया जुड़ा है इसमें, चूंकि पहले आप छावला वार्ड से थे, अब नगली जो वार्ड है काफ़ी हिस्सा कुछ चेंज हुआ है, वहां पे किस तरह के हालात हैं, वहां मतदाताओं से किस तरह से बात की जा रही है? जो नंगली वार्ड का हिस्सा, जो छावले वार्ड का हिस्सा नंगली में जुड़ा है, छावले में तो मैं पहले था, नंगली के जो हिस्से जुड़े हैं श्याम बिहार जैसे जुड़ा है, श्याम बिहार भी मेरा निवास है ही, अर्जुन पार्क वगैरह नंगली साइड के वहाँ पर मैं पहले से एक्टिव था, तो मुझे कोई इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, लोगों का जन समर्थन अपार प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस बार जो नैया है दोबारा से पार होगी, भारतीय जनता पार्टी की जो विजय पताखा है नगली वार्ड में फहराएगी। श्याम बाबा की कृपा से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो टिकट दिया उससे और सांसद जी से हम दोबारा ये नंगली सकरावती वार्ड जीतकर दिल्ली में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। पवन शर्मा बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की जो विजय पताखा है यहाँ से फहराएगी नगली वार्ड, पुनः जो है एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ और लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। कौन बेहतर है यहाँ से, आप माने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बेहतर है, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट बेहतर है, कांग्रेस पार्टी का भी है कुछ? नहीं, अभी तो हमारा तो एक ही पार्टी होता है, ठीक है, हम तो बीजेपी के, हमारा वही है, हमारे लिए कैंडिडेट मायने नहीं रखता है। हाँ, क्योंकि जो बेसिकली बीजेपी समर्थक, जी जी, देशभक्ति का, हम तो देश वाले हैं, ठीक है, देश का सबसे पहले है, जो उस बारे में सोचता है हम वो देखते हैं। इनका कहना है कि नेशन फर्स्ट होना चाहिए और इस मामले में जो भारतीय जनता पार्टी है बाकी अन्य दलों से काफ़ी आगे है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को ये वोट करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, आम आदमी पार्टी वो उसके पता नहीं भैया, मैं तो हम अपने जानते हैं। अच्छा अच्छा, माहौल ठीक है, ठीक है। कौन है कैंडिडेट यहाँ, कैंडिडेट कौन है? ये तो पवन शर्मा की मैसेज है। नगली वार्ड में तो सर बीजेपी का 100% सपोर्ट दिख रहा है। अच्छा, और हमारी कॉलोनी तो वैसे भी काफ़ी मोर सपोर्टिव है, क्योंकि आम आदमी का पार्ट जो साइड से जो काम है वो बहुत गंदे काम हुए हैं। हाँ। मतलब एक वर्ग विशेष को, मतलब वो कर रहे हैं बक वोट को, ये कर रहे हो सपोर्ट कर रहे हो जी, और हिंदुओं के तो तकरीबन खिलाफ ही आम आदमी पार्टी। और भैया सीधी सीधी बात है, तो हम तो बीजेपी के साथ इसलिए हैं कि वो हिंदू सपोर्टेड जो पार्टी है तो वही बनी रहेगी और डेफिनेटली 100% जी इस वार्ड में तो बीजेपी आएगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।